मैं ये तुलना करना उचित नहीं होगा, पर पंजाब में, पूरे देश में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया है, अपनी जान नौछार कर दी, वो इतिहास देश के सामने है। मैं मानता हूं कि ये बलिदान का इतिहास जो है ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हमारे कार्यकर्ताओं ने देश के लिए बलिदान किया है। एमपी एमएलए जब माहौल था, पंजाब में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, तब हमारे कार्यकर्ता रोड पर आकर भारत माता की जय करके, भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगाते थे, गोलियां आती थी छाती पर झेलते थे और अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। और इसलिए हम आतंकवादियों से लड़ते रहे। कश्मीर में कितने लोग शहीद हुए, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान किस लिए हुआ? क्या एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो दिशान रह सकते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं रह सकते हैं। एक देश में एक ही विधान होगा, एक ही निशान होगा और एक ही प्रधान होगा। इसी बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में बलिदान हुए हैं। और हम कहते कि जा हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये हमारा विचार है और हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूं चुनाव में जीतेंगे, हारेंगे, लड़ेंगे, कुछ भी होगा, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, विचारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। इसी सिद्धांतों के आधार पर यह पार्टी बड़ी बनी है। यह किसी मां बेटों की पार्टी नहीं है, पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड पार्टी नहीं है, कोई भी खुर्ची पर बैठ जा और बाकी नौकर जैसे सलाम ठोकते बैठे, ऐसी पार्टी नहीं है। ये अटल जी, अडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी हुई राष्ट्रवाद के विचारों पर देश को समर्पित करने वाले देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्तों की और देश के लालों की पार्टी है। और इसलिए राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। पर राष्ट्र को अगर बड़ा करना है तो क्या करना होगा? इस देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्र में आगे ले जाना होगा तो क्या करना चाहिए? गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। हम विपक्ष में रहेंगे तो आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। मैं इसी नागपुर में, मैंने कितनी लाठियां खाई है, कितने बार जेल में गया हूं, कितने बार झगड़े हुए, इसका इतिहास होगा तो नागपुर बता देंगे। एक बार तो मुझे इतनी पिटाई हुई थी कि एसआरपी वालों ने, 6-7 लोगों ने इतना मारा था कि मेरे मुंह से खून निकल गया था, पर लड़ते रहे। विपक्ष में थे तब अपने विचारों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, समाज के शोषित पीड़ितों के अन्याय हो रहा उस मांगों के लिए हम लड़ते रहे, हम संघर्ष करते रहे। लोक संग्रह, लोक संघर्ष और लोक संस्कार, ये हमारी त्रिसूत्री थी। पर जब हमने विपक्ष में काम करते करते जब हम सत्ता में आए, तो सत्ता में आए तो हमारा रोल बदल गया। अगर हिंदी पिक्चर में पहले कोई होता है हीरो का काम करता है तो कभी विलन का करना पड़ता है, कभी विलन होता है तो हीरो बनता है, रोल बदलते रहता है, ये दिस लॉ ऑफ नेचर। अब हमारा रोल सत्तारूढ़ पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का है, पर हमारे जीन्स जो है वो अपोजिशन पार्टी के है। आज भी कार्यकर्ता बोलते हो कहाँ गए वो दिन, बोला क्या हुआ, बोले वो जेल में जाते थे, वो दाल मिलती थी तो दाल तो दिखती नहीं थी, पानी रहता था, और जब वो चावल में डाल के खाते थे रात को वही सोते थे जमीन पर, क्या आनंद के दिन थे, कहाँ गए वो दिन। अभी भी लोगों को अपोजिशन पार्टी की यादें बड़ी सताती है, क्योंकि हमने इतने साल अपोजिशन पार्टी में काम किया तो हमारा माइंड सेटअप भी अपोजिशन पार्टी का बना है, रूलिंग पार्टी का नहीं बना है, राजा का नहीं बना, अभी बन रहा है धीरे धीरे, पर हम लोग बेसिकली सालों सालों तक अपोजिशन पार्टी में रहे। पर अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारा मकसद क्या है? हम सत्ता में आएंगे तो हम देश का विकास करेंगे, गरीबों को न्याय देंगे,
बेरोजगारों को रोजगार देंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे, हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त, ट्रांसपेरेंसी से युक्त प्रशासन जनता को देंगे। और इसी बात को हमने गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में रखा है। और इसलिए जब हमको लगता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। मैं अभी 8-10 दिन से इस खुशी को महसूस कर रहा हूं। उधर कुंभ में मेला हो रहा है, मैं तो गया नहीं, थोड़ा डर रहा था मैं कब जाऊं, ठंड बहुत बड़ी है, जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे करूं। पर मुझे रोज कोई ना कोई फोन आता है, कोई स्नान करता है और स्नान करने के बाद वहीं से गंगा के तट पे मुझे फोन करता है और मुझे कहता है, नितिन जी बहुत बहुत बधाई। मतलब किस लिए? बोले गंगा का पानी ऐसा शुद्ध है कि गंगा स्नान करने में मजा आ रही है। गंगा तेरा पानी अमृत, सही बात है। हमारा शासन आने के बाद राजीव गांधी ने 5,000 करोड़ रुपए गंगा पर खर्चा किए, गंगा शुद्ध नहीं हुई। मोदी जी ने वाराणसी में कहा था गंगा ने बुलाया है, लोगों ने मजाक उड़ाई। और मैं जब कहता था, एक दिन मुझे मोदी जी भी कह रहे थे, नितिन जी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो मुश्किल होगी। मतलब आप एक बात पर मेरे पर विश्वास रखो कि मैं जो कहूंगा वो 100% नहीं 110% होगा। और केवल 10% काम किया हमने, 26,000 करोड़ का काम गंगा में कर रहे हैं। 10% काम हुआ तो गंगा शुद्ध हो गई है। मार्च तक 30-35% होगा और अगले मार्च तक 100% गंगा शुद्ध होगी। गंगा हमारी इतिहास है, विरासत है, संस्कृति है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। और हमारी सरकार ने, मैं ये तुलना नहीं करता, कांग्रेस की सरकार में 5,000 करोड़ कहा गए, कहा गंगा शुद्ध बनी, कितने प्रोजेक्ट हुए, कितने घाट बने, कितने मोक्षधाम बने। अब मैं आपको हिसाब दे सकता हूं, ये पत्रकार मुझसे बात करें, मैं पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, राज्य वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, और तारीख बता सकता हूं कि इस तारीख तक रुक जाना गंगा शुद्ध होगी। और केवल गंगा पर नहीं काम कर रहे हैं, गंगा की 40 ट्रिब्यूटरीज पर काम कर रहे हैं, यमुना पर काम कर रहे हैं। अभी मैं आगरा में जा रहा हूं, इटावा जा रहा हूं, 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यमुना पर कर रहे हैं, 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली में, 12 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम शुरू हो गया है। हम गंगा को नहीं तो 40 उपनदियों को भी और नालों को भी अच्छा कर रहे ताकि गंगा शुद्ध हो, निर्मल। इतना ही नहीं तो अब गंगा में हमने 20% पानी ज्यादा छोड़ दिया है अविरलता के लिए। और वो पानी छोड़ने के कारण मैं आपको दावा कर रहा हूं कि मार्च अप्रैल में इसी साल में डिपार्टमेंट तो कह रहा है 1 मीटर पानी गंगा में दिखेगा। हमारे अर्जुन मेघवाल भी मेरे विभाग की राज्य मंत्री है, पर मैं विश्वास से साथ बता रहा हूं कि ये मार्च अप्रैल में जून में आपको गंगा में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जहां पानी नहीं है, आपको अविरल और निर्मल गंगा होगी। 1 फीट पानी पूरा गंगा में होगा, हरिद्वार जहां से गंगोत्री से निकला आखिरी तक पानी होगा और हमने दिया हुआ सपना पूरा होगा। दिस इज गुड गवर्नेंस। जो कांग्रेस 20 साल में नहीं कर सकी वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 4.5 साल में करके दिखाया। इसको गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कहते हैं। हमने रेलवे में, रोड में 1200 तो कानून बदल दिए। ये थावरचंद जी बात कर रहे थे, कितने बड़े बड़े निर्णय इनके विभाग में हुए। 10% आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी निर्णय हुआ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने कल्याण की योजनाएं उन्होंने चलाई। हमारे महाराष्ट्र के मंत्री यहां बड़ोले जी बैठे, कॉम्पिटिशन लगी थी कि लंदन में बाबा साहब का घर कौन खरीदी करेगा। थावरचंद जी बोल रहे थे मैं खरीदी करूंगा, देवेंद्र जी और बड़ोल जी कह रहे थे महाराष्ट्र सरकार खरीदी करेगी। मैंने देखा हाँ ये महाराष्ट्र का मामला है, मैंने अपना वजन भदोड़ी केस में डाल दिया। थावरचंद जी फाइल घुमाते रहे, हम 16 करोड़ रुपए लेकर लंदन में जाकर बड़ोल जी ने सौदा कर दिया और बाबा साहेब का घर हमने ले लिया महाराष्ट्र सरकार। बहनों और भाइयों, अच्छे लोग अगर होंगे
तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से देश की तस्वीर बदल जाएगी। करोड़ों को रोजगार मिलेंगे, किसानों को फसल के सही दाम मिलेंगे। केवल मेरे डिपार्टमेंट में मैं 1,88,00,000 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे ला रहा हूं। ये महाराष्ट्र को मैंने 60,000 करोड़ रुपए इरिगेशन के लिए दिए। अर्जुन जी और मैं परसों औरंगाबाद में थे और उस समय हमने सब मंत्रियों को बुलाया, हवा में चलने वाली बस दिखाई डबल डेकर। तो मुझे अर्जुन जी बोले मेरे गांव में भी चला रहे, मतलब आपका ही मंत्री, आप तो विभाग लगाएंगे वहां। मैं जा रहा हूं बीकानेर, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, कितनी टेक्नोलॉजी बदली है। एयरबोट, कैटरमैरन, हवरक्राफ्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज ला रहे, हम देश को बदल रहे हैं। 21वीं सदी का हिंदुस्तान, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो शोषित है पीड़ित है दलित है उनको न्याय मिलेगा, हाथ को काम मिलेगा, किसानों को फसल के सही दाम मिलेंगे और 2022 तक हर गरीब को खुद का मकान मिलेगा। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।